स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्य क्लासेस, सीटीएम अहमदाबाद। हाँ, आज दोस्तों ग्रेविटेशन पे लेक्चर नंबर 8। पिछला वीडियो देखा होगा ना, मान ले नहीं भी देखा तो टेंशन नहीं ले, अपना हर वीडियो फ्रेश वीडियो होता है। लेकिन देख के आने का, पॉसिबल है तो पिछला वीडियो देख के आने का, तो तुझे आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ईजी लग जाएगा। ठीक है, चला जा। डिस्कशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8। हाँ, जी इज इक्वल टू 9.8। ये पूरा फॉर्मूला से आंसर आया जो पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था, है ना? क्या था फॉर्मूला? देखिए, रहा जैसे अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अपना जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि मानते हैं हम कि पोल पे थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि पोल पे अप्रोक्सीमेट 21 किलोमीटर का खड्डा है, है ना, मानते हैं। लेकिन उसको हम अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो, अर्थ के सरफेस पे जी 9.8 है, तो इस सरफेस पे जी का फॉर्मूला भी था ना। हाँ, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख के सेट किया था अपन ने, राइट। लेकिन आज बात थोड़ी आगे की है कि सरफेस पे तो पता है सर, अब सरफेस से ऊपर चले जाओ इधर इधर, तो इस जी में क्या फर्क पड़ना है? कितना ऊपर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत दूर चले गए तो ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, या अर्थ की सरफेस से थोड़ा 2-4-5 किलोमीटर गए तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बहुत सारे डिस्कशन है। हाँ, फिर एक और डिस्कशन है, बिलो द सरफेस, नीचे जाओ डेप्थ में, खड्डा खोदो और घुस जाओ अंदर। हाँ, डेप्थ में जी पे क्या फर्क पड़ना है सर? तो वही आज का डिस्कशन है, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। तो दो क्वेश्चन बनाते अपन, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक था, तो इस अबव द सरफेस को क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं और बिलो द सरफेस को क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं, है ना। चलो, ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आना है बहुत आज। हाँ, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। अबव द सरफेस, वेरिएशन इन जी अबव द सरफेस। चलो आ जाओ। अब ये घटना बहुत सामान्य है यार, एक अर्थ का ड्राइंग कर, अर्थ की सरफेस पे सब कुछ देख, वहाँ पे जो जो दिख रहा है वो लिख, फिर सरफेस से थोड़ा ऊपर जा, इजी है कि नहीं? चलो, तो ये हो गया अर्थ का अर्थ अपना, समझो ना। हाँ, ये हो गया अर्थ का रेडियस आर ई, ठीक है, ओके। तो अर्थ का सरफेस आ रही, भाई एक मिनट, हाँ बच्चे लोग, डिस्टर्ब, आपको जाना है, जाओ, ये डोर बंद कर दो, बार बार वीडियो पोज होता है यार। ठीक है भाई, ये सेल्फ सूट है। हाँ दोस्तों, बच्चों थोड़ा रेंज इधर उधर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सारा बाउंड्री बना दिया है कि इससे बाहर नहीं लिखूँ। देखो चलो, ये है अर्थ, ये है उसका रेडियस आ रही। अब हमको पहले तो सरफेस पे अपना सारा ऑब्जर्वेशन लिख डालो, तो चलो लिखते हैं। क्या अर्थ का मास होता है? एम ई, मास ऑफ अर्थ एम ई, फिर रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, ठीक है, और कुछ? बस बहुत हो गया इतना। अर्थ का डेंसिटी रो ले लो, वॉल्यूम ले लो, लेना है वो ले सकते हो, कि अर्थ का मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हालांकि जरूरत नहीं है इधर, लेकिन लिख लेते हैं, एक लाइन ज़्यादा लिखने में कुछ होना नहीं है। हाँ, अब इस सरफेस पे जो जी है हमको पता है साहब 9.8, यस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका फॉर्मूला लिखना है, मैंने खास बोला था बच्चों, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये थोड़ा स्पेशल है ना, तो इसको चल कलर वलर करते हैं। हाँ, हो गया बढ़िया कलर। चलो आ जाओ, अब अपनी मेन बात पे आते हैं। जब भी अर्थ का मामला आता है तो इतने 2-4 पॉइंट तो हम लिख ही सकते हैं अपने हिसाब से, कि अर्थ का मास एम ई है, रेडियस आर ई है, सरफेस पे जी ये है, इतना तो ओपनिंग कर ही सकते हैं।
अब थियरी के मेन पॉइंट पे आते हैं, अबोध सरफेस जाना है, मतलब यहां से थोड़ा ऊपर, अरे बहुत ऊपर चला जा, अरे जहां तक जाना है जाले, हाँ यहां तक आ गए, एच हाइट समझ लो इसको, एच हाइट, ठीक है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है एम, ये ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे था तो उसका एक्सेलरेशन ये था, लेकिन अब वो सरफेस से ऊपर जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम जब भी ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लेंगे, ये वाला जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस तो सेंटर से लेना है ना, तो सेंटर तो इधर है, तो इसको बोल दो आर, और नहीं तो क्या। चलो तो अब इसके बारे में लिखो एक दो पॉइंट, क्या लिखोगे, कंसीडर एम मास इट एच हाइट फ्रॉम द सरफेस। चलो आ जाओ इधर, कंसीडर एम मास इट एच हाइट फ्रॉम द सरफेस, ओके। फिर बोल दो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ दिस एम मास, डिस्टेंस ऑफ एम मास फ्रॉम द सरफेस, नॉट सरफेस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज आर, एंड अकॉर्डिंग टू फिगर दिस आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, दिख रहे ना ये, ठीक है दोस्तों। बस अब यहां से आगे मैथमेटिक्स का जुगाड़ चालू कर दो, बहुत ईजी है रे ग्रेविटेशन चैप्टर की थियरिया, सारा कुछ ड्राइंग में से देख देख के स्टोरी लिखना है, अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगा दो। तो मैथमेटिक्स क्या लगाएगा, कहां से, फॉरेन से लेके आएगा, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की बात हो रही तो फोर्स का फॉर्मूला ले ले, जी मास वन मास टू अपॉन आर स्क्वायर, खेल खत्म। तो चलो लिखो, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एम मास, ये रहा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, जी एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एम वन में कौन है, अर्थ, एम टू में कौन है, ये दो मास है ना, एक तो अर्थ का और एक उसका है, और डिस्टेंस क्या है, आर, सिंपल, और क्या, कुछ नहीं ना। अब यहाँ का मैथमेटिक्स थोड़ा तगड़ा है दोस्त, गणित पे ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से आजा देख, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, अब आर क्या लेना है, ये और ये दोनों प्लस आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब थोड़ा और ध्यान लगा बच्चा, और ध्यान लगा, जी एम ई एम, इसमें से हम किसी भी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन लेते हैं, किसी भी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होता है वो उसको भी मिलता है, तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर देख स्क्वायर है ना, तो इसमें से आर ई को कॉमन ले लेता हूँ तो ये स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ से आर ई निकल चुका है ना कॉमन, तो वन, अच्छा यहाँ पे तो आर ई था ही नहीं, नहीं था ना, तो डिवाइड कर दे, अरे नहीं पता ये पॉली, अरे यार दसवीं में नहीं पढ़े, जैसे देख एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इसमें से कॉमन ले x तो क्या होगा, x प्लस फाइव हो जाएगा, ये जानते हैं, इजी है, लेकिन अब तू x प्लस फाइव में से कुछ कॉमन लेगा, जैसे मैं x कॉमन ले लूँ तो इसके पास तो x नहीं है, तो डिवाइड बाय x लेना पड़ता है ना, तो वापस अंदर मल्टीप्लाई करने से बैलेंस में वही मिलता है, जानते हैं ना कॉमन का पॉलिसी, तो मैंने वही किया, यहाँ से आरी कॉमन हटाए तो वन, लेकिन यहाँ पे आरी था नहीं तो डिवाइड करना पड़ता है, यस। आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे, अरे यार ये मेरी ऑफलाइन क्लासेस की एक्सपीरियंस है, 11वीं साइंस 11th साइंस के बच्चों को ये तकलीफें होती है, और इन तकलीफों की वजह से यहाँ से आगे की थियरी को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, इसका सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ अब देखो, मैं इसको ढूंढ रहा था कब से, ये मिल गया फाइनली, इसको कहीं देखा हुआ है पक्का, हाँ जी, तो ये बन गया अपना जी एट द सरफेस। अच्छा इस एफ को आप एम जी ले लो, अब ये कौन सा वाला जी है, अरे ये वाला जी हाइट पे है, यहाँ वाला जी है ना, यहीं का तो फोर्स लिया है, तो ये हाइट वाला जी है, और ये जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर सरफेस वाला जी है, हाँ ये एम
अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, एम एम कैंसिल। अब देख दोस्त, थोड़ा मैथमेटिक्स इसका और तगड़ा है यहाँ पे, ध्यान से रुकना पड़ेगा एक मिनट, मैं स्क्रीन सेट करता हूँ, थोड़ा लिखना पड़ेगा, रुको, पॉज करना पड़ेगा। ओके बच्चा लोग, स्क्रीन में थोड़ा और इजाफा हो गया है, हम यहाँ तक लिख पाएंगे। ठीक है दोस्त, चला जा। अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन थोड़ा नया है आपके लिए, बट घबरा नहीं, मैं खड़ा हूँ ना इधर, किस लिए खड़ा हूँ, इस टर्म को ऊपर ले लो, वन प्लस एच अपॉन आर ई माइनस टू। अब यहाँ पे थोड़ा फंसना है, इसको पहले नाम दे दो, इक्वेशन नंबर टू। वन कहाँ था अपना, ये रहा, रुक यार, सारी रेंज सारी बाउंड्रियाँ बराबर करने दे। ये सेल्फ सूट में यही दिक्कत है, डर डर के लिखना पड़ता है कि कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। ठीक है चल, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये माइनस टू है, इसका एक्सपांशन नहीं आता है आपको, क्या आता है, रहने दे, ये आता है क्या, देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आता है सर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, आता है, लेकिन ए प्लस बी पे माइनस टू है पावर, तो सर ये भी आता है, इसका वन अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी चालाकियां नहीं करनी है, हा? मैं सीधा इसका एक्सपेंशन पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस टू का नहीं आता ना, आपने सीखा ही नहीं है कभी, आपके सिलेबस में नहीं आया होगा शायद, बायोलॉजी वालों को तो पक्का नहीं आया, गारंटी, मैथमेटिक्स वालों को एक चैप्टर है मैथ्स में, बायनोमियल एक्सप्रेशंस, बायनोमियल थियरम है ना, शायद मैथ्स में भी चला नहीं चला आपका तो पता नहीं। अब मैं आपको यहाँ से कुछ धांसू बात बता रहा हूँ इसके बारे में, इस एक्सपेंशन के बारे में, आपको यहां पे एक दो अजम्पशन लेने पड़ेंगे। देखो क्या, बायनोमियल थियरम में इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं उस आइडिया से, तो लंबा लंबा होता है, बहुत ज्यादा टर्म्स आएंगे, उतने सारे टर्म्स हमको यहां पे काम के नहीं है, क्यों नहीं है, फिजिक्स है ना, मैथमेटिक्स का लेक्चर तो है नहीं, तो हम यहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं, क्या कि भाई ये जो एच है ना आर ई से बहुत छोटा है, मतलब हम अर्थ की सरफेस पे ये जो हाइट है ना कम समझ रहे हैं, कम मतलब ये अर्थ का रेडियस इतना है 6400 किलोमीटर, उसके कंपेयर में तो कितना ऊपर गया, 10 20 25 50 किलोमीटर, तो वो बहुत नेग्लिजिबल है समझ, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम अर्थ से ज़्यादा ऊपर नहीं गए, 10 20 किलोमीटर गए हैं, तो अपना हाइट फिर रेडियस के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। अब हाइट बहुत छोटा हो जाएगा तो हमको यहाँ पे एक फायदा होना है कि ये जो इसका एक्सपेंशन बनेगा उसमें पहले दो टर्म के बाद जितना भी टर्म आएगा सब नेग्लिजिबल हो जाएगा। तूने देखा नहीं है कभी इसका एक्सपेंशन, तो जाने देना, जो बोल रहा हूँ उसको मान लेना। हाँ चल, तो अब आगे क्या बनेगा, इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देख अब सीधा ट्रिक दे दूँ, छोटा वाला शॉर्ट ट्रिक, बायोलॉजी वाले खुश हो जाओगे, ये माइनस टू को है ना सिर्फ इधर लगा लो और फिर बोल दो कि एच कम होने की वजह से पहले दो टर्म को कंसीडर किया बाकी सबको निकाल दिया और माइनस टू इधर डाल दो। हाँ वन माइनस टू एच अपॉन आर ई, लिख दे वार्निंग, टेकिंग ओनली फर्स्ट टू टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन, बस इतना वार्निंग लिख दो, काम हो गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन थ्री, खत्म, बिल्कुल खत्म। देख ले, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे तेरे पास दो फॉर्मूला आया, ये रहने दे, इसको टू नाम दे, ये तेरे काम में आएगा, माइनस टू तो तुझे फंसाएगा फिर। हाँ अब देखो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले हैं, सर हमको कैसे पता कौन सा लेना है, सुन भाई क्वेश्चन में तुझे बोला है कि अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर निकलो, तो ये तो बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है, तो ये वाला अजम्पशन तो चलेगा ही नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला ले लो उस वक्त, है ना। हाँ और आपको बोल दिया कि अर्थ के सरफेस से 10-20 किलोमीटर ही है, तो ये ले लो, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो वार्निंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दो वार्निंग लिखना पड़ेगा, पहला कि इक्वेशन टू कैन बी टेकन फॉर एनी हाइट एंड इक्वेशन थ्री कैन बी टेकन ओनली फॉर वेरी लेस हाइट। मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, स्क्रीन कम है, इक्वेशन टू
कैन बी टेकन फॉर एनी हाइट, छोटी बड़ी हर हाइट के लिए ले सकते हैं. एंड इक्वेशन थ्री फॉर वेरी लेस हाइट. यस, बोलो आया मजा. चल स्क्रीनशॉट ले. एक काम कर, इस छोटी हाइट पे एक आंसर लाते अपन और पता करते हैं कि वाकई में 9.8 जो है जी उस पर कितना फर्क पड़ता है ना. चल ले स्क्रीनशॉट ले ले. इतना हो गया ना स्क्रीनशॉट. चल इतना सा मिटाऊंगा, पूरा नहीं मिटाऊंगा. अपन एक सम ट्राई करते हैं. अब ये 2 मार्क्स की रेंज में पूछेंगे ना, तो इतना लिख दिया तेरा काम हो गया. अब जो दे रहा हूं वो एक्स्ट्रा है सिर्फ तेरे नॉलेज के लिए. हाँ ये रहा, सपोज हाइट 10 किलोमीटर है सरफेस से ऊपर, तो जी इफेक्टिव क्या आएगा. चलो फॉर्मूला तो यहीं से उठाओ, जी 1 - 2H/RE. अरे सर ये क्यों उठाया, अरे हाइट छोटा लिया ना 10 किलोमीटर, तो छोटी हाइट के लिए ये लेना है. हाँ चलो अब वैल्यू रखते हैं. देखो ये जी क्या है 9.8, हाइट क्या लिया है 10 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 9.8 1 - 2 × 10/6400, ये सारा सॉल्व कर. ये सॉल्व करने पे 0.996 समथिंग आएगा विच इज़ वेरी क्लोज टू 1, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर इतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है समझो. इसका मतलब ये हुआ साहब कि अर्थ के सरफेस से हम 10-20 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जी की रेंज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, उतना ही आंसर आता है. हाँ तो तेरा भ्रम टूट रहा है यहाँ पे. तेरा भ्रम क्या है कि अर्थ के सरफेस से सर में 15 माला टावर के ऊपर चढ़ जाऊं तो अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ा दूर हो जाऊंगा. कैसे हो पाएगा, 10 किलोमीटर ऊपर जा तू तब भी तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, समझा ना. तो बहुत लंबा दूर जाएगा ना तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ना है, लेकिन अर्थ की सरफेस से 10-20-25 किलोमीटर तक तो आपको ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ेगा नहीं. अब आप स्क्रीन शॉट ले लो. चलो 1, 2 & 3. ओके बच्चा लोग हो गया आपका स्क्रीनशॉट. ये सेल्फ शूटर है, खुद पोज खुद प्ले करने जाना पड़ता है. चलो आ जाओ अब बिलो द सरफेस की बात करते हैं. होप आपने अबोध सरफेस वाला एंजॉय किया, बिलो द सरफेस वाला उससे भी दांस हुए है ना, लेकिन उसमें इतना टफ मैथमेटिक्स नहीं आएगा. अच्छा टफ मैथमेटिक्स नहीं आएगा, लेकिन बिलो द सरफेस वाले में मास का कुछ समझ में गड़बड़ हो सकता है आपको, तो मैं मास पे टाइम लूंगा, थोड़ा आराम से समझाऊंगा क्या मास मैटर करता है. इधर देखो सबसे पहले तो अपना वही ओपनिंग स्ट्रेटजी, ये हो गया अर्थ. अर्थ का रेडियस क्या समझ लेते हैं, आरी. अर्थ थोड़ा छोटा हो गया ना सर, अरे बड़ा करो, ड्राइंग पे तो जीतना ही है थियरी. कितना बड़ा कर लिया सर, ठीक है. चलिए हो गया अर्थ का सेंटर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस समझ ले. हाँ ये हो गया रेडियस अर्थ का, ठीक है. चल पहले तो वो सब हम बिलो मतलब डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे. उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन से लिख क्या, मास ऑफ अर्थ एमी, रेडियस ऑफ अर्थ आरी, फिर डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ रो. अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. मास कितना है एमी, वॉल्यूम क्या है अर्थ का 4/3 πr³, यही होता है ना वॉल्यूम. हाँ इसको इक्वेशन 1 बोल दे काम आएगा. ये डेंसिटी क्यों ले लेते हैं अपन पता है, ये पूरा का पूरा अर्थ है. इस अर्थ में से थोड़ा भी मिट्टी निकाल उसका भी डेंसिटी यही होगा भाई. अरे एक ग्लास भर के पानी ले या पूरा टंकी भर के पानी हो, डेंसिटी वही रहेगा ना, है ना. हाँ तो ये पूरे अर्थ का डेंसिटी लो, चाहे यहाँ से थोड़ा एक टुकड़ा निकालो उसका डेंसिटी लो. ये डेंसिटी इस क्वेश्चन में हम ये ले सकते हैं, कभी भी हमको हेल्प करेगी जब मास में हम फंस जाएंगे. अब देखो मास में कहाँ फंसना है. अब अपना पहले एक काम कर, रुक अभी सरफेस पे जी क्या है वो तो नोट डाउन कर ले. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन 2. ये भी तो काम आएगा ना. हाँ ठीक है दोस्त, अब
अब थोड़ा डेप्थ पे आ जाओ और मेन मतलब की बात करते हैं। डेप्थ पे मतलब थोड़ा अंदर आ जाओ, यूं यहां तक आ गए, ये हो गया डी डेप्थ, है ना। तो इस जगह पे अपना मास है इस बार स्मॉल पॉइंट मास, जिस पे ये पूरा अर्थ फोर्स लगाना है, राइट। लेकिन दोस्त यह मास का क्या गड़बड़ है बताता हूं। अपन ने पहले पढ़ा था ना कि भाई ये कोई होलो सेल है, होलो सेल है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स इस सेल की वजह से जीरो होगा, पढ़ा था ना। अगले आठवां लेक्चर आ गया भाई, और ऐसे कॉमन सेंस की बात है, इस पॉइंट पे जो ये जितना भी मटेरियल इसको अट्रैक्ट करेगा ना, उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या लेते हैं, जीरो। जब भी कोई होलो स्फीयर के अंदर, होलो सेल के अंदर चीज आ जाती है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होता है। हाँ, तो यहां पर भी एक दिक्कत आएगी, क्या कि अपना अर्थ जो है वो कोसेंट्रिक सेल्स का बना हुआ है, ऐसा मानते हैं हम। तो इसके अंदर जितनी भी सेल है, ये जितने भी कवच है, ये सारे के सारे इसको ग्रेविटेशन लगाएंगे, खींचेंगे, अट्रैक्ट। लेकिन इसके बाहर के जो सेल्स है यहाँ पे, ये वाले पोर्शन में, उनके लिए तो अंदर का पॉइंट हो गया ना, तो जो बाहर के सेल्स है वो इस पे फोर्स लगाएंगे नहीं। तो इतना ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा ये पोर्शन इस पे फोर्स लगाएगा नहीं। तो इस पोर्शन को हम अवॉइड करना चाहे तो ऐसे कर दें, लेकिन इससे फर्क एक पड़ेगा कि इसका मास कम होगा। अर्थ का मास एम ही था ना, इसका तो अर्थ से कम होगा ना। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो अब लिखेंगे पहले तो कि नाउ कंसीडर एम मास एट डी डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यस, लिख दूं यहां पे जगह है ना। नाउ कंसीडर एम मास एट डी डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, रुको भाई, बॉर्डर बना दो। अब क्या बोलेंगे इसके बारे में, सीधा ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना है इन सेल्स को लेके, पिछली थियरी में हो चुका है। सीधा शॉर्ट में लिखो क्या कि इस पॉइंट पे ये जो आर रेडियस का जो छोटा एक गोला बन रहा है, ये वाला, हाँ, ये पूरा गोला इस पे फोर्स लगाएगा, इसके बाहर वाला जो मास है वो इस पे फोर्स लगाएगा नहीं। तो चलो क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन सी इन फिगर दैट द स्फीयर ऑफ आर रेडियस एक्सर्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एम मास। We can see from figure that sphere of R radius exert gravitation force on M mass. वो जो नहीं कर रहा है उसके बारे में भी लिख सकते हो एक लाइन क्या, कि cells having radius greater than this, their आउटर सेल्स, फॉर देम दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट, सो दे विल नॉट एक्सर्ट द फोर्स। इतना लंबा कहानी लिखेगा, सिंपल लिख, सेल्स हैविंग रेडियस ग्रेटर देन आर डू नॉट एक्सर्ट द फोर्स एट एम। लिख दे, सेल्स हैविंग रेडियस ग्रेटर देन आर डू नॉट एग्जिट फोर्स ऑन एम मास। बस सारी कहानी खत्म। अब अपनी सीधी मतलब की बात करो कि ये जो गोला है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इस गोले का मास क्या ले लेते हैं, एम आर, और वो सारा मास कहाँ, इधर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो अब सीधा पॉइंट की बात करते हैं, चलो, कि फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू द स्फीयर ऑफ आर रेडियस, फोर्स ऑन एम मास, फोर्स ऑन एम मास ड्यू टू आर रेडियस स्फीयर, चलो ये रहा फोर्स, जी एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एम वन में कौन है, ये गोला, एम टू में कौन है, ये छोटा मास, है ना। तो जी एम आर
m और यहां से ये डिस्टेंस क्या है भैया r, ओके अब क्या करना है, अब सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि जो छोटा गोला है ना जिसको आपने अर्थ से सेपरेट कर लिया है, इसके बाहर का जो अर्थ का ये पूरा मटेरियल है उसको आपने इग्नोर कर दिया है भाई, पूरा अर्थ मान लो एम ई मास का है, तो ये जो गोला है उसका मास कम होगा, जो बाहर का पोर्शन कट गया है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो ये मास हम जान नहीं पाएंगे इधर, तो इसको हटाओ फॉर्मूले में से और ऐसा कुछ लाओ जो आप जानते हो। तो चलो हटाते हैं, देखो मास को हटाने के लिए सबसे पहला ट्रिक क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जानते हम जानते नहीं ट्रिक, तो ठीक है। अब ये जो डेंसिटी है ना, ये है तो अर्थ का ही टुकड़ा ना, तो मटेरियल तो सेम है, तो ये डेंसिटी लगा सकते हैं ना, चल लगा, यस, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब, और ये वॉल्यूम किसका है, इसका गोले का खुद का, तो खुद का वॉल्यूम 4/3 पाई और खुद का रेडियस का क्यूब, हाँ अरे आया मजा है ना, ये थोड़ा कुछ धांसू है, ये मास को सेटल करने के लिए इधर और इधर इतना मेहनत अपन ने किया है। अब देख ले, ये 4/3 पाई गॉन, ये गॉन, एक आर बच गया, तो फाइनली फोर्स क्या आएगा, जी एम ई, ये एम और ये आर स्क्वायर वाला क्यूब है ना, तो एक आर इधर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा आर ई क्यूब, यस ये फोर्स आ गया। अब थोड़ा रेंज बनाना पड़ेगा ना, रुको, रेंज मैं कैमरा देख के आता हूँ कहाँ तक लिख सकते अपन, थोड़ा सा रेंज को सेट कर दिया, हम लिख पाएंगे, बेखौफ लिख पाएंगे, घबराओ नहीं, चलो आ जाओ। देखो ये फोर्स है, उसकी जगह एम जी ले लूँ, एम जी, जी एम ई एम आर अपॉन आर ई क्यूब। अच्छा ये जी कौन सा वाला है ये डेप्थ पे जो जी है उसकी बात है, हाँ तो जी एट द डेप्थ, एम एम कैंसिल, जी एट डेप्थ, जी एम ई। अब ये आर ई क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, हाँ क्यों, क्योंकि ये वो टर्म बन जाएगा ना सरफेस पे, हाँ लगा दे, अब मामले पकड़ में आ रहे ना धीमे धीमे, अच्छा ठीक है, नीचे आर ई रह गया। अब ये आर को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं साहब, देखो फिगर में दिख रहे हैं, ये पूरा आर ई है, आर ई मतलब आर प्लस डी, दिख रहा है ना, अरे यार आर ई मतलब आर प्लस डी फिगर में दिख रहा है हमको, तो आर इज इक्वल टू आर ई माइनस डी, लगा दो आर ई माइनस डी, हाँ अब आर ई माइनस डी, इस आर ई को नीचे जाने दो, आर ई आर ई कैंसिल, ये हो गया जी वन माइनस डी अपॉन आर ई, आंसर ले मजेगर, हाँ तो फिर ले ले स्क्रीनशॉट ले ले, समझ में आया ना, अर्थ के सरफेस से डेप्थ पे जाने पर जी ऐसे वेरी करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये डेप्थ क्या लेना है तुझे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो लेना है ले, एक बार वैल्यू रख के आंसर ला और देख 9.8 में कितना फर्क पड़ता है, तो तेरा नॉलेज बढ़ेगा है ना, बाकी इसमें कुछ टफ है नहीं, पूरी थियरी में ये डेप्थ को मैंने लिया ही नहीं, लास्ट में जाकर रिप्लेस करके डेप्थ लाया, वरना पूरी थियरी में अपन ने आर से ही काम लिया है ना। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, रुको 1, 2 एंड 3, अच्छा लगा ना वीडियो तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, भेजो अपने दोस्तों को, हाँ और वो बेल आइकन का बटन दबा देना, मैं यूट्यूब पे लाइव आता रहता हूँ शाम को 5 बजे 6 बजे 11th 12th के जेई नीट के लेक्चर्स के लिए, अब देख पाओगे लेक्चर नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको है ना। चलो बाय बच्चा लोग।